सिर्फ था उसने ह्यूमन बॉडी को सीधा गल्प कर लिया वो वीडियो मैंने भी देखी थी वो इंडोनेशिया की वीडियो थी यहाँ की थी ने वो बूढ़ी आंटी थी ठीक है आई गेस उनका एज कुछ तो सिक्सटी प्लस में रहेगा और वो एक आ, टी फार्म के अंदर काम कर रही थी और उनके साथ साथ ना उन लोग उनका कुछ तो बिजनेस था कुछ तो मीट वगैरह कुछ तो बिजनेस था तो, उनके बॉडी के ऊपर वो ब्लड और वो सब हमेशा रहता था एक स्पेसिफिक स्मेल आती थी वो स्मेल देख के उसको लगा कि कोई बड़ा जानवर है और उसने वो बैठी थी ऐसे मतलब खेतों के बीच में बैठी थी और उनको लगा कि कोई जानवर है उसने निकल लिया ये केस जो है ना इसके ऊपर अभी भी बहुत सारी रिसर्च चल रही है ये कोई नॉर्मल सिनारियो नहीं है जो सामने आया बट ये बहुत ज्यादा रह रहा है तो स्नेक्स जो है अगर यहाँ के आप अजगरों की बात करेंगे पाइथन की बात करोगे तो अपने पास तीन टाइप के पाइथन 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 मिलते हैं इंडियन रॉक एक और रेटिकुलेटेड अपने यहाँ पर दिल्ली मुंबई में अगर देखोगे तो इंडियन रॉक पाइथन ही मिलता है थोड़ा ऊपर जाओगे नॉर्थ साइड में तो बर्मस पाइथन इंडियन रॉक पाइथन अठारह फुट तक बढ़ता है ठीक है एक बड़े से बड़ा पाइथन एक लेपर को निकल सकता है एक डियर को निकल सकता है बंदर को निकल सकता है एक क्रोकोडाइल खा सकता है छह साठ फुट के आराम से बट इंसानों को खाना ना उसके खुद के लिए टास्क रहता है ठीक है तो ये क्यों क्योंकि अपने जो कॉलर बोन्स रहते हैं ना वो अक्सर वो सांपों को ना ब्रेक करने नहीं आता है ठीक है उसका जो है ना वन